नमस्कार दोस्तों, प्रीति किचन में आपका स्वागत है। आज हम बरबटी यानी कि बीन्स और आलू की इतनी इजी और मज़ेदार चटपटी रेसिपी बनाएंगे कि शायद आपने पहले नहीं बनाई होगी। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही लाजवाब, बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको फटाफट से कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें एक बड़ा चम्मच भर के तेल डाल दिया है। ये मैंने बरबटी यानी बीन्स ली है, इनको अच्छे से धो के लंबा लंबा कट कर लिया है। साइज़ में आप जितना चाहें बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दो मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और उनको भी बड़ा बड़ा कट किया है, उनको छील लिया है। दो छोटी प्याज ली है और उनको भी हमें बड़ा ही चॉप करना है। दो मिर्ची ले ली है हरी और उसको लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। थोड़ी देर में हम इनको चेक कर लेंगे। तो आप चाहें तो पूरी सब्ज़ी मिला सकते हैं, लेकिन अलग अलग में भी बहुत अच्छी बनेगी। और मैंने इनको अलग अलग ही ऐसे चला लिया है, थोड़ा हम इनको चला लेंगे ताकि ये ऊपर नीचे अच्छी तरह से सिक जाएं। आप चाहें इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर प्याज नहीं डालना चाहते तो प्याज स्किप कर सकते हैं। अच्छे से चलाने के बाद हम इसको 3-4 मिनट के लिए फिर से ढक कर रख देंगे। 3-4 मिनट बाद हम देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक गई है और आलू भी पक गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे अब अलग प्लेट में। आप चाहें तो पूरी सब्ज़ी को एक साथ निकाल लीजिए, मैंने अलग अलग ही इन्हें निकाला है। और अच्छे से सारी सब्ज़ियाँ पक गई हैं, प्याज हमारी गोल्डन, हल्की गोल्डन ब्राउन हुई है, आलू भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। तो ये सारी सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। अब जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल है, तो ये पूरा तेल मैंने अलग निकाल दिया है, और कढ़ाई में ही जो चिपका हुआ तेल है बस हमें उतना ही तेल यूज़ करना है। गैस का फ्लेम लो है, मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से जीरे और थोड़ी सी राई। इनको अच्छी तरह से हम चटकने देंगे। जब ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे, चटक जाएंगे, तो मैंने ये दो टमाटर लिए हैं और उनको बड़ा ही चॉप किया है। इनको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धना पाउडर, थोड़ी सी 1/3 भाग हमने हींग डाली है इसमें, 1 चम्मच भरकर डाली है लाल मिर्च। आप लाल मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमने वैसे भी हरी मिर्च ऐड करी थी पहले। अब इनको मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ही तेल डाला था, हमने नमक डाला है, तो ये अच्छी तरह से हमारे टमाटर गल गए हैं। अब इसमें एक एक करके हम अपनी सारी सब्ज़ी ऐड कर देंगे। मैंने प्याज डाल दी है, अब इसको हम मिला लेते हैं। साथ में ही हम डाल देंगे इसमें आलू और बीन्स यानी बरबटी, और इन सारी सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सारी सब्ज़ी हमारी अच्छे से मिल गई है, अब इसको हम ढक कर 2-3 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि सारे मसाले और सारा फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, गैस का फ्लेम अभी भी लो है। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहे तो चना मसाला डाल सकते हैं या छोला मसाला, लेकिन पाव भाजी मसाले से सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी एकदम फटाफट बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार है। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बरबटी में या बीन्स में फाइबर, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।